बरेली में लुटेरों का एक ऐसा गिरोह हरकत में है जो आपको तभी शिकार बनाता है जब आप बैंक से पैसे निकल कर आ रहे हों या फिर किसी और तरह से वित्तीय लेनदेन कर रहे हों। जी हाँ, बैंक के आसपास रजिस्ट्री कार्यालय और महंगे शोरूम में आप किसी काम से जा रहे हैं तो ऐसे लुटेरों से खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के 3 लुटेरों से पुलिस ने बरेली में हुई लूट की 4 बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने नवाबगंज के सिजौलिया तिराहे से आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार युवकों ने बहेड़ी थाना इलाके में 1.5 महीने पहले जमीन बेचकर घर जा रहे एक व्यक्ति से 2.5 लाख की लूट, नवाबगंज थाना क्षेत्र में बैंक से रुपये निकालकर जा रहे 3 अलग अलग जगहों पर 3 लोगों से हजारों की लूट करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,70,000 रुपये, 3 तमंचे, 7 कारतूस व एक बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस इस गिरोह के 4 और अभियुक्तों की तलाश कर रही है। पीछे 4 लोग एक मोटरसाइकिल पर गए और उनका पीछा किया और तमंचा लगाकर उनसे वो पैसे, बैंक की पासबुक और मोबाइल लूटकर वापस भाग गए। इसी के अनावरण में नवाबगंज पुलिस ने बहेड़ी पुलिस के साथ मिलकर इस घटना का अनावरण किया है, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, पवन, वहीद और विपिन। इसमें से पवन और वहीद हैं जिन्होंने नवाबगंज की ये घटना भी की है। इसके साथ 2 पहले भी घटना कर चुके हैं। 1 14 मई को अर्जुन सिंह जी के साथ जो घटना हुई थी, जिसमें 20,000 रुपये की लूट की गई थी 3 लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिल पर, और 18 जून को आमिर जान के साथ एक घटना की थी जिसमें 28,000 रुपये लूटे थे, उसमें भी 3 बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था। जब इनसे और पूछताछ की तो सामने आया कि बहेड़ी में जो 30 मई को तहसील ऑफिस के सामने से घटना हुई थी, जिसमें वादी के 2.5 लाख रुपए 2 मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार होकर गए थे और उन्होंने लूट की थी, तो उसमें इन्होंने अपने साथियों के बारे में पूछताछ में 1-2 चीज़ें बताई हैं। और बरामदगी में बहेड़ी वाली घटना के कुछ 1,30,000 रुपये प्लस लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है, और नवाबगंज पुलिस द्वारा अपनी अलग अलग घटनाओं में कुल 40,000 रुपये की रिकवरी की है। 3 लोगों के पास से 1-1 अवैध तमंचा मिला है और जिंदा कारतूस मिले हैं। अभी कितने लोगों को पकड़ा जाना बाकी है और कितने लोगों का ये पूरा गिरोह है? ये जैसा कि आप आपराधिक इतिहास भी देख सकते हैं, 2015 में गैंगस्टर भी इनके ऊपर लग चुका है, गैंगस्टर में जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जेल से छूटते फिर ये लोग सक्रिय हो गए। 3 नवाबगंज की और 1 बहेड़ी की घटना ये लोग ऑलरेडी अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा भी और घटनाएं होंगी जो इन्होंने की होंगी, उसकी तस्दीक भी की जाएगी और क्रिमिनल हिस्ट्री भी छांटी जाएगी, और इनके जो भी साथी इनके सामने आएंगे उनके ऊपर हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे।